कौन कौन है ये औरत? क्या ये इस पेड़ पर रहती है? ये कोई भूतनी तो नहीं है? हे भगवान, आज तो मैं गया। वो सुंदर औरत पेड़ से नीचे उतरती है और फिर बारिश के बीच खड़ी होकर नाचने लगती है, लेकिन उस घनघोर बारिश में वो भीगती नहीं है। ये देखकर दीनू की आंखें और भी फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? कोई इंसान बारिश के बीच में रहकर कैसे नहीं भीग रहा? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये औरत जरूर कोई बुरी आत्मा है। दीनू ये सब सोच रहा था और उस औरत की तरफ देख भी रहा था। उस औरत का नृत्य इतना अद्भुत था कि तमाम डर के बावजूद वो उसके नृत्य में खो गया। वाह अद्भुत, इतना अच्छा नाचती है ये औरत। दीनू उसके नृत्य में डूबा हुआ था कि तभी उस औरत के पैर की जूती टूट गई और उसका नृत्य बंद हो गया। हालांकि अब बारिश भी बंद हो गई थी। ओह, इसकी जूती तो टूट गई और इसने नाचना बंद कर दिया। लेकिन सच कहूं तो जितनी देर भी ये नाच रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ। वो ये सोच ही रहा था तभी वो औरत चलती हुई उसके पास आई और उससे कहा, आप मोची है ना? क्या आप मेरी इन जूतियों की मरम्मत कर देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थोड़ा जल्दी कर दीजिए क्योंकि इसके बिना मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती। दीनू उस औरत को देखकर अब भी डर रहा था, लेकिन फिर भी उसने फटाफट उसकी जूतियां सही कर दी। ये लीजिए आपकी जूतियां। अपनी जूतियों की ओर देखकर उस औरत ने कहा, अरे वाह, आपने मेरी जूतियों को तो बिल्कुल नए जैसे कर दिया। ये लीजिए आपके काम का इनाम। ये कहकर उस औरत ने सोने के कई सिक्के निकाले और दीनू को दिए। ये क्या दे रही हैं आप? सोने के सिक्के। अरे नहीं नहीं, मुझे ये सिक्के नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा इनका? मुझे मेरा मेहनताना 10 रुपए दे दीजिए। पर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ यही है। सिर्फ यही है? ठीक है, फिर जाइए आप। भला जूती की सिलाई के कोई सोने के सिक्के देता है क्या? पर इन सोने के सिक्के से तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। तकदीर मेहनत से बदलती है, सोने के सिक्के से नहीं। दीनू की बातों को सुनकर वो औरत बहुत ही प्रभावित हुई और कहा, दीनू इन सिक्कों से तुम अपना घर बना सकते हो। तुम्हारा घर गिर गया है ना, फिर तुम्हें यहाँ इस पेड़ के नीचे रहने की जरूरत नहीं है। घर तो गिर गया है, लेकिन मैं उस जगह घर नहीं बना सकता। अरे क्यों नहीं बना सकते? बिल्ली ने बच्चे दिए हैं इसलिए। अरे जाओ और भगा दो बिल्ली को वहाँ से और उनके बच्चों को भी, और इन पैसों से आलीशान घर बनाओ। ये आप क्या कह रही हैं? मैं भला एक बेजुबान का घर तोड़कर क्या एक दिन भी वहाँ सुकून से रह पाऊंगा? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अचानक दीनू कुछ सोचते हुए उस औरत से बोला कि पर आपको मेरे घर के गिरने के बारे में कैसे पता लगा? और ये कैसे पता लगा कि वहाँ बिल्लियाँ रहती हैं? उसकी बातों को सुनकर वो औरत जोर जोर से हंसने लगी और अपने बालों को खोल दिया। उसके बाद वो खूबसूरत औरत और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। उसके शरीर पर सोने के वस्त्र आ गए। दीनू ने जब ये सब देखा तो आप कौन है आप? दीनू मैं अप्सरा हूँ, मृगनयनी नाम है मेरा। मैं इसी पेड़ के नीचे बने एक महल में रहती हूँ। मैं कई दिनों से तुम्हें यहाँ देख रही हूँ और तुम्हारी दयालुता को भी। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि आज की स्वार्थी दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग हैं। दीनू मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ और आप कहाँ? देखो दीनू, इनकार मत करो नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। उस अप्सरा की बात सुनकर दीनू सोच में पड़ गया। आज तक उसने किसी को दुखी नहीं किया था, तो फिर वो उस अप्सरा को कैसे कर देता? ठीक है, मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। दीनू की शादी उस अप्सरा से हो गई। वो अप्सरा शादी के बाद उसे अप्सरा लोक में ले गई। दीनू आज वहीं रहता है। दीनू के जीवन के अच्छे कर्मों का ही तो ये फल था कि एक इंसान की शादी अप्सरा से हो जाती है और उसके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा सबकी मदद करिए, क्योंकि आपकी ये मदद आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकती है।